कबीर को मुझसे ज्यादा कोई नहीं पहचानता। उसका अगला कदम क्या होगा? I understand. Then remember what I taught you, Khaled. एक्टर से रॉ एजेंट बनने का सफर। घर में भाई बहनों के बीच सतीश सबका लाडला था, क्योंकि एक तो वो पढ़ाई में अच्छा था और दूसरा उसके दिल में अपने पापा की तरह देशभक्ति की भावना तेज आंच पर थी। पापा एयरफोर्स में पायलट थे और सतीश उनको ही अपना आइडल मानता था। 1965 में जब वो 14 से 15 साल का था, उसने भयंकर भारत पाकिस्तान युद्ध को देखा। इसी बात को सोचता रहा कि जब वो बड़ा होगा वो अपने देश के लिए सब कुछ करेगा, और अपने देश के लिए अगर उसको अपनी जान भी गंवानी पड़े वो पीछे नहीं हटेगा। इसी के चलते लखनऊ में एक फेस्ट हुआ जिसमें सतीश ने भाग लिया और वही उनकी लाइफ पूरी तरह बदल गई। पहले दिन लोगों ने उनकी बहुत तारीफ की, फिर बाद दो दिन बाद जब उन्होंने परफॉर्मेंस की तो उनकी परफॉर्मेंस के बाद कुछ लोग उनसे मिले। वो रॉ के एजेंट्स थे। उन्होंने पहले तो सतीश से बात की और ये जानना कि क्या ये उनके मिशन के लिए ठीक है। फिर उन्होंने उसके घर वालों के बारे में पूछा, क्योंकि एक खुफिया एजेंट की सबसे बड़ी कमजोरी उसके खास लोग होते हैं, इसलिए सतीश ने खबरियों के बारे में पता होना जरूरी था जिससे उन्हें प्रोटेक्ट करे, सेफ जगह पर रखा जा सके। फिर उन सब ने मिलकर सतीश को बताया कि वो एक मिशन कर रहे थे जिसकी वजह से उन्हें कोई चाहिए जो पाकिस्तान जा सके, और सतीश उनको इस काम के लिए अच्छा लगा। उन्होंने सतीश से सीधा पूछा कि क्या वो जाने के लिए तैयार है, जिस पर सतीश ने भी हामी भर दी। उसके लिए ये एक अलग एक्सपीरियंस था। नौकरी तो थी हाथ में, लेकिन पिता से क्या कहता, इसलिए 23 साल के सतीश ने अपने पापा से कहा कि वो दिल्ली जा रहे हैं अपनी नई जॉब के लिए। वहां उन्होंने 2 साल तक एकदम कड़ी ट्रेनिंग की जिससे उन्हें पाकिस्तान में कोई परेशानी ना हो। दोनों का एक कॉम्बिनेशन था जो उनको इस मिशन पर दिखाना था। शुरुआत में उनको अबू धाबी और दुबई भेजा गया। जब वो पूरी तरह तैयार हो गए तब उन्हें पाकिस्तान भेजा गया। पाकिस्तान जाने पर उनको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि वहां ज्यादातर लोग पंजाबी बोलते हैं और पाकिस्तान में भी ज्यादातर लोग पंजाबी ही बोलते हैं। उसने अपना काम खूब ईमानदारी और अच्छे से किया, लेकिन फिर जब काम बढ़ गया तब इनायत मसीहा नाम के एक एजेंट को भेजा गया। वो ISI के हाथ लग गया। पहले तो उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन जब उसको बहुत मारा गया तब उसने सतीश के बारे में सब बता दिया। फिर सतीश ने बचने के लिए पाकिस्तान से भागने की कोशिश की। भारत की तरफ से कोई भी मदद नहीं आई और सतीश को पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद उसको खूब मारा गया और खूब ही तरसाया गया, लेकिन फिर भी उसने कोई भी जानकारी नहीं दी। वैसे उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और टीबी हार्ट प्रॉब्लम और बीपी की वजह से सतीश का जीवन बहुत ज्यादा खराब हो गया था। लेकिन आज तक भी ये आरोप लगाए जाते हैं कि रॉ या भारत सरकार ने किसी ने भी बिल्कुल मदद नहीं की। इसी की वजह से सतीश को अपनी मातृभूमि भी नसीब नहीं हुई। मरने के बाद उन्हें जेल के पीछे की जगह में ही दफना दिया गया। वॉर 2 की कहानी भी ऐसे ही हो सकती।